ये बोला ये ये बोला जमीन डेढ़ एकड़ तो आप मजदूरी करते हो मजदूरी करते हो मजदूरी करते हो या फैक्ट्री में काम यहाँ फैक्ट्री बैठी है वो मजदूर उसके जो ठेकेदार होता है उसके अंदर में दो बोरी हम लेते एक बोरी तो मिल जाएगी मिलते नहीं कागज जमा नहीं कर सकते भैया 2000 बोरी के ग्राहक कर लो 200 बोरी आने हैं हम तुम्हारे कागज के तो पहले से जमा है हम तुम्हें कहा हम जब आए से तुम मिले ना ये कह सकते हैं कि वे पहले से जमा है। हाँ, के फर्टिलाइजर के उससे जैक भी किसान के घर पे हम गए जिनकी डेथ हुई है जिन्होंने सुसाइड करा है उसमें निकल के यही आ कि खाद नहीं मिला डीएपी खाद नहीं मिला और उसके उससे उनकी डेथ हुई क्योंकि एक ही टाइम में 4 दिन के अंदर ही 5 लोग की होगी एक की शायद आज हुई है उसकी भी डिटेल मंगा तो 6 लोग एक ही जिले से जाना और जिनका उद्देश्य सिर्फ एक है तो इसमें कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। नहीं जैसा कि लेत जनपद में लगातार कई दिनों से खाद की समस्या बनी है तो इसमें आप किसको दोषी ठहराएंगे आप? भाई दोषी तो यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी रहेगा क्योंकि जितना फर्टिलाइजर यहाँ पे आया है वो कहाँ गया वो तो डाटा होगा ना सबके पास में और ये फिर स्थिति कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सरकारों की है यहाँ के अधिकारी की है यहाँ के जो सोसाइटी के लोग हैं वे हैं तो सबको जिम्मेदारी है कि उसको निर्वाह करना चाहिए उनको ठीक उससे मतलब ऐसी अरफातरफी क्यों बिछ रही है और फिर उसको कंट्रोल करो आप। जैसा कि आपकी मृतक की परिवार से बात हुई है तो क्या कहना है लोगों का? मृतक का परिवार का यही है कि खाद की लाइन में थे और उससे टेंशन में थे तो हमारा किसानों से भी है कि खाद आएगा प्रशासन से बात करेंगे लेकिन इस तरह से हताश होने की जरूरत नहीं है कि सुसाइड करे वो करे एक तो उससे वो ना कोई हताश ना है और दूसरा सरकार से यही कि तुरंत यहाँ पे वही फर्टिलाइजर मंगवावे और इनकी पूर्ति कर जाए उससे वैसे भी नुकसान होगा अगर खाद नहीं मिलेगा तो फसलें कम होगी तो क्या बाहर से मंगाने का प्रोग्राम है सरकारों का?